हेलो बच्चों, हाउ आर यू डूइंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडिशन विद विकास। तो जैसा कि कल वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि किसी भी वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं, तो किसी भी वेक्टर को ऐड करने के दो मेथड होते हैं, एक ट्राइंगुलर मेथड और एक पैरेललोग्राम मेथड। ट्राइंगुलर मेथड को केवल हम एज ए ज्योमेट्री सीखते हैं, यानी एज ए ज्यामिति सीखते हैं, एज ए फिगर सीखते हैं कि जैसे कैसे उनको ऐड करना होता है। लेकिन जो पैरेललोग्राम मेथड है उसको हम दो तरीके से सीख सकते हैं। एक आपका ज्योमेट्रिकल मेथड, यानी उसको ऐसे ज्योमेट्री कैसे ऐड करते हैं और कैसे जोड़ते हैं, और एक होता है आपका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, यानी उनको हम ऐसे मैथ्स में या ऐसे फिजिक्स में कैसे जोड़ते हैं। यानी ज्योमेट्रिकल एडिशन, ज्योमेट्रिकल मेथड जो है वो केवल आपको जोड़ना सिखाता है, और जो आपका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट होता है वह आपको सिखाता है किसी भी वेक्टर को जो ऐड करते हैं उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो बच्चों, आज हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन सीखते हैं पैरेललोग्राम का। चलिए देखते हैं। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर को ऐड करने का एनालिटिकल मेथड। उसमें जैसा कि आपको पता है हम वेक्टर्स को दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, एक ट्राइंगुलर शेप में, एक पैरेललोग्राम शेप में। तो ट्राइंगुलर जो होता है, ट्राइंगुलर यानी ट्राइंगुलर फॉर्म में जो हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं वो केवल हम ज्योमेट्रिकल मेथड से करते हैं, और पैरेललोग्राम को हम ज्योमेट्रिकल भी ऐड कर सकते हैं और एनालिटिकल भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जो है एनालिटिकल मेथड में केवल हम पैरेललोग्राम को ही ऐड करते हैं। तो देखिए बच्चे, इसमें मैं लिख देता हूं, बी वाले का होता है वो दूसरा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी हमको वेक्टर्स को ऐड करना है इन द फॉर्म ऑफ या शेप में किसकी, पैरेललोग्राम की। तो पैरेललोग्राम को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चों? समांतर चतुर्भुज, ठीक है बच्चों। और ये हम पिछली वीडियो में ज्योमेट्रिकल मेथड सीख चुके हैं, आज हमें क्या करना है, एनालिटिकल मेथड सीखना है। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, हम यहां पर वेक्टर्स को ऐड करना चाह रहे हैं तो हमको ऐसे कम से कम दो वेक्टर तो कंसीडर करने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ये है ए इस तरह से, या इसको कह लीजिए कि ये बी वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर है ए इस तरह से। देखिए जैसा कि हमको पता है कि वेक्टर्स जो है उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है यहां से लेकर के यहां तक, यानी जहां तक उसकी लेंथ है, और जहां उसका एरो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी इस वेक्टर, ये जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वी होगा। देखिए मैग्नीट्यूड को, यानी इसको बोलते हैं रिजल्ट, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बी। लेकिन अगर हमें इसमें डायरेक्शन ऐड करनी हो तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? वेक्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ है हमारा क्या, कि एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक है, यहां से यहां तक, और उसकी डायरेक्शन उधर है जिधर एरो है। ऐसे ही दूसरा वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड यहां से यहां तक है और उसकी डायरेक्शन थोड़ी अपवर्ड है। अब हमें इनको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। क्योंकि देखिए अब हमें फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि आप फॉर्मूला बना रहे हैं तो आपको पता है कि फॉर्मूला बनाने के लिए आपको एटलीस्ट इस शेप में इसको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि हम ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सीखते हैं, किसी भी वेक्टर को हम पहले वेक्टर, अगर हमें दो वेक्टर जोड़ने तो पहले वेक्टर की, देखो इस तरह से, पहले वेक्टर की टेल, पहले वेक्टर की हेड। तो फर्स्ट वेक्टर हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं जो भी है हमारा ए बी सी डी जो भी है। अब फर्स्ट वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट करते हैं ट्राइंगल बनाने के लिए। अब ये जो तीसरी साइड बचती है ये इनका होता है हमेशा रिजल्टेंट होता है। लेकिन पैरेललोग्राम वाले मेथड में हम इनको कैसे ऐड करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ऐड करते हैं, यानी दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ऐड करते हैं, यानी एक एडजेंट पॉइंट पे
यानी आसन्न बिंदु पे। अब देखिए बेटा इनको ऐड कराना है ये दो वेक्टर, तो इनको ऐड कराने के लिए आपको इन्हें जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए ये वेक्टर यहां लिखा हुआ है, यहां हम इन दोनों को देखो, इन दोनों के जो पॉइंट्स है जो टेल्स है वो अलग अलग है। अब हम इनको ऐड कैसे करें, तो बच्चों सबसे फर्स्ट लेक्चर में बेसिक प्रॉपर्टी बताई गई थी वेक्टर्स की, कि किसी भी वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। बस ये एक शर्त होनी चाहिए कि कोई वेक्टर जिस एंगल पे रखा हुआ है, जिस एंगल पे एक्ट है, उसी एंगल पे वो होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, जैसे ये ए वेक्टर है, वो मान लीजिए समहाउ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं और उसका एंगल थीटा है, तो इसको मैं यहां से शिफ्ट करा सकता हूं किसी दूसरी जगह, ठीक है। लेकिन शर्त है कि उसका जो एंगल है वो वही रहना चाहिए जो उसका इनिशियल था। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमने एक वेक्टर ए इस तरह से क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया। अब ये पता है हमको, किसी भी वेक्टर को हम पैरेलल फॉर्म में शिफ्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें इन दोनों के पॉइंट्स मिलाने पड़ेंगे। अब ये पॉइंट्स तो इनके अलग अलग है, तो इसलिए हमने क्या करा, यहां पर इसको भी पैरेलल शिफ्ट करा दिया। देखिए इस तरह से है, इसी तरह से हमने इसको शिफ्ट करा दिया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब देखिए यहां पर इनके जो एडजेंट पॉइंट है, आसन्न बिंदु है, वो मिले हुए हैं, यानी इसमें जो है हम पैरेललोग्राम मेथड में टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं टेल टू टेल, या इस तरह से कह दीजिए पॉइंट टू पॉइंट मेथड। अब देखिए बेटा, जैसा कि पता है आपको पैरेललोग्राम बनाना है, तो पैरेललोग्राम में तो चार साइड्स होती हैं, इसमें केवल दो साइड्स हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए ये जो है आपका ए वेक्टर है, तो यहां पर मैं अगर एक इमेजिनरी लाइन इस तरह से ड्रॉ करूं, इस तरह से, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर, तीन साइड हो गई। अगर ये भी है तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा आपका वी वेक्टर हो जाएगा, इस तरह से। तो देखिए एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है बच्चों, एक पैरेललोग्राम हमारा क्या हो गया है, बन चुका है। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं हम, यहां से ये इसका हेड है और ये इसका हेड है, हम यहां से एक क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और सिर्फ ये जो परपेंडिकुलर है वो हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब बेटा एक बात बताइए, जब हम पैरेललोग्राम में इनको ऐड करते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट ऐड करते हैं, तो हमने फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में आपको ये बता दिया था कि जब भी दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता है तो इनका जो डायगोनल होता है, किसका, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है बच्चों, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है रिजल्टेंट को, जिसे हम किससे दिखाते हैं, आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, आर से डिनोट करते हैं। अब अगर मान लीजिए ये ए और बी जो है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, यानी थीटा एंगल पे रखे हुए, यानी ये वाला जो एंगल है इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के रख देता हूं, ये जो एंगल है वो थीटा है, तो बेटा ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसे कैसे, देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा सेम एंगल होता है। देखिए देखो ये ए वेक्टर था जो इस तरह से था, अब ये जो हमारा ये वाली जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी थी वो भी हमारा क्या था, यही वेक्टर था। लेकिन शर्त ये थी कि ये प्रॉब्लम मतलब वो थी कि ये जो है इसकी रिफ्लेक्शन है या इसके जैसा खींचा गया है। अब अगर मैं यहां से एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर दूं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो बेटा ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल हमेशा सेम होता है। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि देखिए बेटा, मान लीजिए ये एक वी वेक्टर था इस तरह, और ये वाला जो आपका वेक्टर है वो ए वेक्टर था इस तरह, ऐसे रखा हुआ था थीटा एंगल पे। अब मुझे इसे पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे एक इस वेक्टर को इधर भी थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ता है इमेजिनरी फॉर्म में। अब देखिए जितना एंगल इस ए के इस वाले बी ब्लू वाले के बीच में है, यही रेड में भी है, तो इसीलिए पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा जो एंगल होता है वो सेम होता है। तो अगर मान लीजिए ये ए और बी वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल है, तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में भी कौन सा एंगल होगा बेटा, थीटा होगा। अच्छा चलिए इसका नाम रख देते हैं, इसका रख दीजिए टी यू वी W X। तो अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये जो TU है वो B वेक्टर है, यानी B वेक्टर मतलब डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका केवल जो मैग्नीट्यूड होगा वो यहां से TU कितना हो जाएगा B, TX जो वो A वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होगा A, TW जो है वो आपका क्या है, रिजल्टेंट है जिसका मैग्नीट्यूड होगा R। अब ये जो UW है बेटा, UW भी क्या है आपका, A वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होगा A,
और ये जो एच डब्ल्यू है या डब्ल्यू एक्स है वो आपका क्या है बेटा, बी वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी। देखिए इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं, इसके फॉर्मूले हम दो तरीके से ड्राइव कर सकते हैं बेटा, एक आप वेक्टर फॉर्म में कर सकते हैं, आप एक स्केलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो बेटा वेक्टर मतलब आप डायरेक्शन को मेंशन कर रहे हैं, यानी प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूं अगर मैं इसे बिना डायरेक्शन के सॉल्व करूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन देखो है तो बी वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन इधर है लेकिन मैग्नीट्यूड तो उतना ही है ना, जितना स्केलर मैग्नीट्यूड बताता है उतना ही मैग्नीट्यूड वेक्टर बताएगा, बट वेक्टर एक एडिशन चीज बता देता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक काम करते हैं, हम इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ट्राइंगल देखिए, हमारे यहां पर तीन ट्राइंगल है, टी यू डब्ल्यू, ये एक क्या हो जाएगा यू वी डब्ल्यू, और एक क्या हो जाएगा टी एक्स डब्ल्यू। यानी जो अभी हमने ट्राइंगल लिया था उसको हम अभी बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हम यहां ट्राइंगल देख लेते हैं जिसका नाम है डब्ल्यू टी वी, डब्ल्यू टी वी। तो अब मैं यहां से अलग ड्रॉ कर लेता हूं इसको, ये आपका क्या हो जाएगा बेटा वी, ये हो गया डब्ल्यू, और ये लाइन हो गई आपकी टी, ये एंगल है 90 डिग्री, और ये हो गया एक ट्राइंगल। तो यहां पे लिख देता हूं इन ट्राइंगल डब्ल्यू वी टी, यानी इस ट्राइंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। अब अगर हम ये नोटिस करें तो हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना है बेटा टी डब्ल्यू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका टी डब्ल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है वी डब्ल्यू का स्क्वायर, तो लिख दीजिए वी डब्ल्यू का स्क्वायर। ये जो बेस है बेस कितना है टी वी का स्क्वायर बेटा, किसका स्क्वायर हो गया टी वी का स्क्वायर। अब अगर मैं नोटिस करूं, जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों कि ये जो है टी वी, ये टी डब्ल्यू जो है उसकी वैल्यू कितनी है आर, इसको थोड़ा अलग निकाल लेते हैं। तो यानी ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है आपका वो कितना है आर, यानी टी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है आर का स्क्वायर। अब देखो अगर हम ध्यान से देखें वी डब्ल्यू की वैल्यू, तो बेटा वी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास नहीं है चाहे इस ट्राइंगल में देखिए, क्योंकि वी डब्ल्यू एक परपेंडिकुलर था तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। तो हम यहां क्या करते हैं इसकी जगह केवल ये लिख देते हैं वी डब्ल्यू का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम बाद में डिटरमाइन कर लेंगे प्लस। अब बेस, बेस जो था वो कितना था टीवी। अब देखो अगर ध्यान से देखो तो टीवी की वैल्यू कितनी है, टीवी की वैल्यू हो जाएगी टी यू प्लस यू बी, तो टी यू प्लस यू बी का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस, बेटा देखो टी यू की वैल्यू कितनी है, देखो टी यू एक वेक्टर था बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है वी, यानी टी यू एक वेक्टर था बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड था वी। तो हम यहां टी यू की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, देखिए टी यू की जगह हम लिख देंगे v, हम वेक्टर फॉर्म में नहीं ले रहे हैं इसलिए हमने इसको v माना है, और प्लस uv की वैल्यू, हमारे पास uv की वैल्यू नहीं है हमको डिटरमाइन करनी होगी, तो हम इसको लिख देते हैं uv का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल करके यहीं छोड़ देते हैं, और अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक तो vw की वैल्यू नहीं है तो हमें vw की वैल्यू निकालनी पड़ेगी होगी, और निकालेंगे किससे, अपने डायग्राम से ही निकालेंगे। एक आपका क्या, आपके पास uv की वैल्यू नहीं है तो आपको uv की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी होगी। तो बेटा देखते हैं, ओके मैं यहां पर मैं इसको बोर्ड में थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, डायग्राम बड़ा हो गया है इसलिए एक तो ये लाइन आप रफ कर दीजिए और इसको रफ कर दीजिए। अब देखिए बेटा जरा ध्यान से, अब मुझे VW की वैल्यू निकालनी है तो आपको हमें टाइप इसमें देखना होगा कि हमारे पास VW कहां है, तो बेटा VW है यहां पर, VW कहां पर है यहां पर, यानी किस ट्राइंगल में हमारा VW आ रहा है डब्ल्यू यू वी, यानी ट्राइंगल डब्ल्यू यू वी में हमारा बी डब्ल्यू आ रहा है, और दूसरा हमको क्या निकालना है यूवी, तो यूवी भी बेटा इसी ट्राइंगल में आ रहा है यूवी, लेकिन फर्क कितना है, जो ये वी डब्ल्यू है वी डब्ल्यू हाइपोट्स पे है, क्या नाम है परपेंडिकुलर पे है, और ये जो यूवी है वो बेस पर है। तो आपको भी पता है कि बेस यानी यूवी और वी डब्ल्यू निकालने के लिए हम अगर किसी भी ट्राइंगल से, किसी भी ट्राइंगल से या किसी भी शेप से हमें किसी लाइन की वैल्यू चाहिए होती है तो हम उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, ये टेन थीटा इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो अगर मैं वी डब्ल्यू की वैल्यू देखूं तो बेटा वी डब्ल्यू कहां पर देखो, ये एंगल है डब्ल्यू यू वी, इस ट्राइंगल में थीटा एंगल है और एंगल के सामने वाला जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये बेटा हाइपोटेनियस हो गया। अब हमें VW डिटरमाइन करना है, तो VW क्या है आपका परपेंडिकुलर। तो अब अगर हम किसी शेप से
कुछ भी चीज निकालना चाहे, मतलब कोई भी लाइन निकालना चाहे, तो वो हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, इस तरह के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो बीडब्ल्यू क्या है हमारा? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? साइन। क्या चाहिए होता है बेटा? साइन। तो यहां पर मैं दिखता हूं, देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल डब्ल्यू यू वी, डब्ल्यू यू वी। अब डब्ल्यू यू वी में अगर मैं यहां से साइन थीटा लगाऊं तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा देखो ध्यान से, साइन थीटा बेटा परपेंडिकुलर कितना है आपका? वी डब्ल्यू। और बेटा हाइपोटेनियस आपका कितना हो गया? यू डब्ल्यू। अब यू डब्ल्यू क्या था? वो वेक्टर था, यानी ये जो टी एक्स वेक्टर था, इसी को हमने पैरेललोग्राम बनाने के लिए यहां पर एक इमेजनरी लाइन खींची थी, ऐसे ही इस वेक्टर की भी एक इमेजनरी लाइन। तो ये यू डब्ल्यू क्या है? एक वेक्टर है, लेकिन हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं? एज ए मैग्नीट्यूड। तो बेटा यू डब्ल्यू की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी, ए मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए वेक्टर है और मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए होगा। तो यहां से वी डब्ल्यू अपॉन यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? ए। तो यहां से हम वी डब्ल्यू निकालें तो वी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? ए साइन थीटा। चलिए निकल गया। तो हमारे पास वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई है? ए साइन थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? किसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है? यूवी। अब अगर आप देखें यूवी की वैल्यू निकालने के लिए, तो यूवी क्या है? इसी ट्राइंगल में आ रहा है, टी यू वी, सॉरी डब्ल्यू यू वी, डब्ल्यू यू वी। तो डब्ल्यू यू वी में अगर मुझे यूवी डिटरमाइन करना है, तो यूवी को देखिए, यूवी किस लोकेशन पे है? यूवी प्रेजेंट है ट्राइंगल की बेस पे। और बेस निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं बेटा? कॉस का। तो यहां आप दोबारा से लिखते हैं, इन ट्राइंगल डब्ल्यू यू वी, तो कॉस थीटा लगाते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा बेस कितना है आपका? यूवी, और हाइपोटेनियस कितना है? यूडब्ल्यू। तो आप समझ गए कि हमें अगर किसी भी ट्राइंगल या किसी भी शेप से किसी भी वैल्यू, किसी भी लाइन की वैल्यू निकालनी है, तो हम साइन कॉस टेन के माध्यम से निकाल सकते हैं। बट आपको ट्राइंगल का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी साइड आपकी परपेंडिकुलर है, कौन सी हाइपोटेनियस है, बेस। तो एक बात बेसिक याद रखे कि एंगल के सामने वाला जो होता है बेटा, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अब मुझे VW निकालना था, तो VW इस ट्राइंगल में आ रहा था, WUV में। और मुझे बेस फाइंड करना था UV, तो वो भी इसी ट्राइंगल में आ रहा था। तो इसलिए पता चल गया आपको कि हम साइन थीटा और कॉस थीटा का इस्तेमाल क्यों करते हैं। साइन थीटा का मोस्टली परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस डिटरमाइन करने के लिए, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मुझे यूवी डिटरमाइन करना था तो यूवी बेस पे था, इसलिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया आपका कॉस थीटा का। और अगर आपको परपेंडिकुलर यानी बीडब्ल्यू डिटरमाइन करना था, जो कि अपने आप में एक परपेंडिकुलर था क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसलिए हमने साइन लगाया। तो बेटा देखिए जरा ध्यान से, तो कॉस थीटा जो हो गया है आपका, वह कितना हो गया है बेटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू यूवी की वैल्यू, बताइए यूवी की वैल्यू कितनी है? यूवी की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है अपॉन यूडब्ल्यू। यूडब्ल्यू क्या है? ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए। तो यहां से अगर मैं ए निकालूं, यानी ए डिटरमाइन करूं, तो यूवी की वैल्यू डिटरमाइन करूं, तो यूवी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ए कॉस थीटा हो जाएगी। तो अब हमारे पास, हमें रिजल्टेंट यानी आर का फॉर्मूला बनाने के लिए VW की वैल्यू चाहिए थी, हमने डिटरमाइन कर ली। यूवी की वैल्यू चाहिए थी, हमने डिटरमाइन कर ली थी। तो अब देखें, पुट ऑल दीज वैल्यू इक्वेशन वन। जब आप इन वैल्यू को इक्वेशन वन में रखेंगे तो देखें कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू VW, VW की जगह रख देंगे बेटा ए साइन थीटा, और उसका क्या है? स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या रखेंगे? बी। देखिए ये ए और बी जो है वो आपके किसी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। हमने जो है वैल्यू वो वेक्टर फॉर्म में नहीं रखी है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखी है, ठीक है बेटा? चलिए ओके। और यूवी की प्लस बी की जगह बी, और यूवी की वैल्यू हमने कितनी डिटरमाइन की है? ए कॉस थीटा। अब बेटा देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी साइन थीटा, यानी बी ए टू ए बी, सॉरी टू ए बी, माफ करिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो ए क्या है? बी। और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब बेटा देखिए नोटिस करें, हम इस टर्म में से और इस टर्म में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर जो है कॉमन ले लेते हैं। तो जब आप ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
और प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यानी बी ए को हम बी ए लिख ए भी लिख सकते हैं। चले बच्चे आप एक काम करिए, इतना आप डायग्राम नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड नीचे कैमरे का फोकस नहीं आएगा। अब हम थोड़ा ऊपर लिखवा लेते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए आई होप नोट कर लिया होगा आपने, ठीक बेटा। अच्छा एक एक एक, एक खास बात, एक खास बात, आप एक काम करिए, ये जो आपका मैग्नीट्यूड है आर टी डब्ल्यू, इससे आप एंगल बना लीजिए, कितना एंगल है बेटा, फाइव एंगल है। कितना एंगल है, यानी ये जो आपका मैग्नीट्यूड है आर, वो इस बी वेक्टर से कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, फाइव एंगल पे। कितना, क्यों, क्योंकि हम क्या होता है, हमें कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, और ट्वेल्थ में भी आपने ऐसा किया होगा, आप हमेशा ईएम वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और उस वाले अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर में आपने ये सब किया होगा, तो ये आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपका मैग्नीट्यूड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ये कुछ भी हो सकता है, ये तो हमने केवल ए बी सी इस तरह से माना है, लेट किया है, लेकिन ये आपसे कभी भी पूछ लेगा कि ये जो आपका रिजल्टेंट है वो किसी भी वेक्टर के साथ कितने एंगल पर झुका हुआ है या कितने एंगल पे बेटा इंक्लाइंड है, इसलिए इसको फाइव मान लीजिए, लेट कर लीजिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए आई होप नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा देखते हैं, ए स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वन। तो यहां से ये हो गया आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसकी जगह तो वन आ जाएगा, प्लस के बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं यहां से आर निकालू तो स्क्वायर आएंगे तो दूसरी तरफ रूट हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब ये जो थीटा एंगल आ रहा है वो थीटा एंगल इस टर्म में है, यानी ए और बी का एंगल, जिस फॉर्मूले में थीटा होता है, चाहे कॉस थीटा हो चाहे साइन हो चाहे टेन हो, वो जिस फॉर्म में यानी जिस फॉर्मूले में जिस टर्म के साथ होता है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ होता है, वो उसी का एंगल होता है। जैसे ये जो कॉस थीटा है वो ए और बी के साथ है, तो ये जो कॉस थीटा यानी जो थीटा एंगल है वो ए और बी के बीच का होगा। ठीक है बेटा, देखिए अभी हमने यहां तक किसी भी दो वेक्टर्स का एडिशन का रिजल्टेंट आपको बता दिया है, तो बेटा वीडियो जो है वो किस समहाउ स्टॉप हो गई, इसलिए मैंने वो पीछे का टॉपिक जो है वह रफ कर दिया है। तो किसी भी दो वेक्टर, अब आगे बढ़ते हैं, किसी भी दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ड्राइव कर सकते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर एक एंगल आ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ए और बी के साथ आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है थीटा वो ए और बी के बीच का एंगल है। तो यहां पर कुछ हमारे स्पेशल केस बनते हैं, तो हम स्पेशल केस को डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखिए स्पेशल केस, तो यहां पर पहला स्पेशल केस क्या है बेटा, वो ये है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कहने का जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि दो वेक्टर्स जो है ए और बी, उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाए, तब उनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और कॉस की जगह हम कितना रख देंगे, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो हमारा रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब दूसरा स्पेशल केस है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो जाए, 0, और जब एंगल 0 हो जाते हैं तो दोनों वेक्टर क्या हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में, यानी पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं। कैसे वेक्टर हो जाते हैं बेटा, पैरेलल वेक्टर, तब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है 1, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब यहां नोटिस करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए प्लस बी। अब तीसरा केस भी हम जो है बेटा डिस्कस कर लेते हैं, कि अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, बेटा 180 डिग्री का मतलब क्या है,
कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, एक लाइन हो जाए, यानी 180 डिग्री आर द एग्जांपल ऑफ ओपोजिट वेक्टर। इस तरह से ए वेक्टर ये और बी वेक्टर ये, तो एक लाइन हो गई, तो कितना एंगल बेटा 180 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो तब उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 डिग्री, और बेटा कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, तो आर इज इक्वल टू बेटा आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के टू ए बी, हाँ कॉस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू हमने कॉस 180 की माइनस वन रख दी, डेट बिकम्स ए बट टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया ए माइनस बी। तो दीज आर द थ्री केसेस, तीन केस है स्पेशल कि अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री तो रिजल्टेंट इतना हो जाएगा, 0 डिग्री सेम डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर्स तो आपका जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी हो जाएगा, सिंपल जोड़ देंगे, अगर दोनों ओपोजिट हो जाए एक उधर चला जाए मतलब एक इस डायरेक्शन में एक्ट हो जाए और दूसरा इस डायरेक्शन में एक्ट हो जाए तब उस समय उनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्री, तो तब रिजल्टेंट हो जाता है ए माइनस बी। तो इन तीन रिजल्ट से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, एक बहुत अच्छा सा और एक बहुत प्यारा रिजल्ट निकलता है बेटा। देखिए रिजल्ट क्या है, जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं या किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो वो हमेशा मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है, और किन्हीं भी दो क्वांटिटीज या दो नंबर्स को माइनस सबट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर ये जो आपका रिजल्टेंट है वो है आर मैक्स, यानी इस समय जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा दो वेक्टर्स के जोड़ने पर वो अधिकतम होगा, और यहां पर जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करते हो चूंकि इनकी डायरेक्शन ओपोजिट है तो आपने यहां पर क्या कर दिया है माइनस लगा दिया है, यानी ओपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस, तो दो क्वांटिटीज को या दो नंबर्स को माइनस करने पर आपको जो भी रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है मिनिमम। तो इससे हमें एक रिजल्ट मिला क्या कि रिजल्टेंट की वैल्यू जो है वो आर मैक्स के बराबर या आर मैक्स से कम, आर मिनिमम के बराबर या आर मिनिमम से ज्यादा रहेगी, यानी इन दोनों के बीच में ही हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू रहेगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो आर है वो आर मिनिमम से ज्यादा या आर मिनिमम के बराबर होगा, और आर मैक्सिमम के बराबर या आर मिनिमम को सॉरी आर मैक्सिमम से कम होगा, यानी ये जो आर है वो ए प्लस बी यानी दो वेक्टर्स के एडिशन या दो वेक्टर के सबट्रैक्शन के इक्वल होगा। ठीक है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जल्दी से। अब करते हैं, अब सीखते हैं लास्ट टॉपिक आपका इधर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा देखिए आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा हो, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो में अपना एक मीनिंगफुल यूजफुल कमेंट दे सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई। तो बेटा आप यहां सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए बेटा सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। अभी हमने देखा कि अभी हम पिछले जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसमें हमने किन्हीं भी वेक्टर्स को ऐड किया था लेकिन उनका एक रिजल्टेंट जो था वो a माइनस बी आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि वहां पर हमने वेक्टर को क्या सब्ट्रैक्ट किया, नहीं वहां पर हमने ऐड किया, बस वो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन ओपोजिट हो गई इसलिए वहां पर माइनस आ गया। इसी तरह यहां सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में भी यही होगा। तो मेथड वही है बेटा क्या के पहले दोनों वेक्टर ट्रायंगुलर मेथड में हमेशा जो हम ऐड कराते हैं वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड को या दूसरे वेक्टर की हेड को पहले वेक्टर की टेल से, इस तरह से बेटा हम इसको कनेक्ट कराते हुए ऐड करते हुए चलते हैं। तो अगर हम कहें कि आपके पास एक वेक्टर ए इस तरह से और दूसरा जो वेक्टर है बेटा वो आपका बी इस तरह से, तो अगर मुझे यहां से ध्यान से समझेंगे अगर मुझे यहां से इसका एडिशन निकालना था
एडिशन का मतलब होता था ए प्लस बी, यानी इसको मैं कैसे ऐड कर सकता था बेटा, देखिए जरा इसको मैं ऐड कैसे कर सकता था, इसको मैं ऐड कर सकता था, सबसे पहले आप उसी वेक्टर को ड्रॉ कर लीजिए फर्स्ट को, अब फर्स्ट वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को क्या कर दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से बी वेक्टर। अब जो ये तीसरा साइड होगी इस वेक्टर की, इसकी ट्राइंगल की जो तीसरी साइड होगी वो समय उसके रिजल्टेंट को क्या कर रही होगी बेटा, रिप्रेजेंट, जो कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है आर इज इक्वल टू, मतलब ये आपका रिजल्टेंट है वो है ए माइनस बी, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस माइनस बी, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो बी की डायरेक्शन है वो ए की डायरेक्शन की ओपोजिट है। अगर यहां पर आपका ए वेक्टर जो है वो ये था तो वो वही रहेगा, लेकिन जो बी की डायरेक्शन पहले जो अपवर्ड थी वो अब आपको क्या करनी पड़ेगी, डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले से हम देख रहे हैं ए के आगे तो प्लस है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बी का मतलब क्या है कि आपको उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना होगा, यानी इसको ए बी वेक्टर को ओपोजिट करना होगा। अब अगर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और मुझे इसके आगे माइनस लगाना है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, तो जस्ट अपोजिट आप कर देंगे तो बी वेक्टर आपका हो जाएगा बेटा इस तरह से। अब जब आप किसका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे तो इसका बेटा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आपको ए वेक्टर को इसी तरीके से इसी तरह से ड्रॉ करना है। अब पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को कनेक्ट करते हैं, तो देखिए ये आपने बी वेक्टर को कनेक्ट कर दिया, तो जो तीसरा वेक्टर होता है, सॉरी जो तीसरी डायरेक्शन होती है ट्राइंगल की, वो उसके रिजल्टेंट को बेटा क्या कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आप देखिए बहुत ध्यान से कि अगर आपको ऐड करना है तो दोनों वेक्टर्स के आगे प्लस है, यानी हमें यहां डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए सब्ट्रैक्शन का मतलब है ए माइनस बी, और इसका मतलब ए प्लस माइनस बी ऐसे लिख सकता हूं, यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन हमको चेंज नहीं करनी, लेकिन बी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब ए वेक्टर तो ऑलरेडी ऐसे था, तो बी वेक्टर जो पहले बेटा ऐसे था, जो पहले ऐसे था उसको हमने क्या कर दिया है, ओपोजिट कर दिया है, यानी ये जो है वो आपका माइनस बी वेक्टर है और ये जो आपका वेक्टर था वो वेक्टर था बेटा वी वेक्टर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो हमने इस वेक्टर को, इसको थोड़ा अलग से लिखता हूं, तो ये वी वेक्टर है पहले से ऐसे था, लेकिन इसको हमने क्या है माइनस में कन्वर्ट किया, तो इसकी डायरेक्शन को जस्ट ओपोजिट करना होगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस के वी वेक्टर हो जाएगा। तो फर्स्ट वेक्टर ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट वेक्टर की हेड से सेकंड वेक्टर की टेल जोड़नी, अब सेकंड वेक्टर क्या है, ओपोजिट ऑफ द वेक्टर, यानी अपोजिट वेक्टर, तो इसको ऐसे रखा, और जो ये ट्राइंगल बनाने के लिए जो तीसरी साइड चाहिए थी वो ये है। और देखो रिजल्टेंट हमेशा, देखो वेक्टर हमेशा हेड टू टेल कनेक्ट करने पड़ते हैं, और रिजल्टेंट जो होते हैं वो हमेशा आपको हेड टू हेड और टेल टू टेल, देखिए दोनों केस में देखिए ये जो रिजल्टेंट है वो हेड टू हेड और टेल टू टेल कनेक्ट है, सब्ट्रैक्शन वाले केस में भी हेड टू हेड, सॉरी टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्ट है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, आई होप, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में एक अच्छा मीनिंगफुल कमेंट करें, जिससे आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।